नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चेफएफ न्यूज में। दोस्तों, पाकिस्तान और टीम इंडिया के बीच खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान का जो होना था वो तो हो गया, लेकिन इस बीच पाकिस्तान की हार पर शाहिद अफरीदी की तरफ से जो रिएक्शन आया है वो बेहद दिलचस्प है। क्योंकि यहां सबसे पहले तो अफरीदी ने पाकिस्तान के हारने से पहले ही न सिर्फ हार मान ली, बल्कि अपने पुराने ट्वीट पर ही कमेंट देते हुए पाकिस्तान की हार पर अपनी खींच निकाली और साथ ही पाकिस्तान की हार का सारा ठीकरा एक तरह से आईपीएल पर फोड़ दिया। वजह बताई कि दोनों टीमों के बीच जो बड़ा फर्क है वो है आईपीएल। कैसे किया उन्होंने पहले वो सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि कैसे मैदान पर उहाने की वजह से पाक टीम के कप्तान सरफराज वायरल हो गए। दरअसल अफरीदी ने अपने पुराने ट्वीट जिसमें उन्होंने मैच से पहले लिखा था, मुझे लगता है कि ये उन खिलाड़ियों के लिए जरूरी है जो 40-50 रन बनाने के बाद उसे बड़ी पारी में तब्दील करते हैं, क्योंकि यही तरीका है जिससे आप मैच जीतते हैं। खिलाड़ियों को शांत और फोकस रहने की जरूरत है। और हाँ, फील्डिंग एक अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि 70-80% मैच फील्डिंग से ही जीते जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, अफरीदी का ये ट्वीट आज के मुकाबले में पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है, तो अपने इसी ट्वीट पर कमेंट कर उन्होंने हार से पहले ही हार मानते हुए इंडिया और पाकिस्तान की दोनों टीमों के बीच फर्क बताते हुए लिखा, खैर बीसीसीआई को आज उस जीत के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद जिसके लिए वाकई काबिल है। जिस तरीके की क्रिकेट खेली गई वो वाकई ऊंचे दर्जे की थी, जिसका सारा श्रेय आईपीएल को जाता है, जिसकी वजह से न सिर्फ खिलाड़ियों को पहचान मिली और उन्हें तराशा गया, बल्कि प्रेशर को कैसे हैंडल करना है ये टेक्निक भी वो सीख सके। वैसे दोस्तों, मैच से पहले उन्होंने पाक टीम को जो टिप्स दिए उसका साइड इफेक्ट सुनिए। अफरीदी ने मैच से पहले कहा था, आज पाकिस्तान के खिलाड़ियों के पास मौका है उसे यादगार बनाने का, इस मौके पर अपना सब कुछ झोंक दो, खुलकर फ्री माइंड से बिना किसी झिझक के खेलो, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन दोस्तों, पाक टीम के कप्तान सरफराज अहमद को लगता है अफरीदी की अंग्रेजी समझ नहीं आई और उन्होंने इसे उल्टा ही ले लिया। आलम यह रहा कि जिस इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर क्रिकेट फैंस की धड़कनें रुक सी जाती हैं, उसी मुकाबले में इतनी इंटेंसिटी होने के बावजूद पाकिस्तान के कप्तान सरफराज मैदान पर कुछ ऐसा करते देखे गए कि लोगों ने उनका जमकर मजाक उड़ाया। सोशल मीडिया पर उनका 7 सेकंड का ये वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ। दरअसल कांटे के माने जाने वाले इस मुकाबले में सरफराज मैदान पर जमुहाई लेते हुए नजर आए। परेशानी तब हुई जब ये पूरा वाकया कैमरे पर कैद हो गया और इसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। मौका था टीम इंडिया की बैटिंग के दौरान का। मैच के 47वें ओवर में क्रीज पर विराट कोहली और शंकर मौजूद थे, गेंद वहाब के हाथ में थी, तभी पाकिस्तानी कप्तान का वीडियो कैमरे पर कैद हुआ। वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट का पंगा है, लेकिन खबर जरूर बता रहे हैं। लोग हैरान हैं कि ऐसे मौके पर कोई कप्तान ऊंघा कैसे सकता है, वो भी तब जब उसकी टीम वर्ल्ड कप के अपने तमाम मुकाबले हार चुकी है। और कप्तान का काम होता है कि वो टीम को मोटिवेट करता रहे, ऐसे में कप्तान ही अगर मैदान पर सोने के बारे में सोचे तो टीम का मजाक तो बनना ही था। और हुआ भी वही, जहां पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के मुकाबले में 7वीं बार टीम इंडिया ने जबरदस्त तरीके से धो दिया। और अब आलम यह है कि इसे लोग पाकिस्तान पर भारत की एक और सर्जिकल स्ट्राइक मान रहे हैं। ऐसे में कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि इंडिया के खिलाफ होने वाले मैच के प्रेशर की वजह से सरफराज को रात भर नींद ना आई हो, ऐसे में मैदान पर वो बोर फील करने लगे। बहरहाल दोस्तों, आपकी इस पूरे वीडियो पर क्या राय है आप नीचे जाकर कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। टीम इंडिया की जीत पर आपका क्या कहना है आप उसे कमेंट कर बताएं। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो उसे भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आपने हमारे वीडियो को यहां तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।